दोस्तों, पपीते की खेती ऐसे तो बहुत से किसान करते हैं। हमारे इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस भी हमने डाले हैं पपीते की खेती के बारे में, लेकिन आज कुछ बेसिक जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए कि पपीते की खेती कैसे होती है, किस प्रकार होती है, शुरू से लेकर ए टू जेड जो जानकारी है इस वीडियो में आपको देखने मिलेगी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अमन कौशिक, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल ऑल इन किसान में स्वागत करता हूँ। तो पपीते की खेती की जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक अनुभवी किसान जुड़ने वाले हैं जो 3 एकड़ में पपीते की जो खेती है ड्रिप वह मल्च की सहायता से कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में उनका पहले स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों को अपना परिचय दे दीजिए कि आप पपीते की खेती कब से कर रहे हैं और कैसे आपको ये आया कि आप पपीते की खेती करना चाहिए आपको। जी नमस्कार भाई लोग, मेरा नाम सचिन आरसे है, मैं ग्राम ठेंगाभाट से हूँ। मेरा ये पहला ही साल है पपीते की खेती करने का। मैंने देखा लोगों को, किसानों को, कि पपीते की खेती करके मुनाफा दुगना तिगुना कमा रहे हैं। जी। तो मुझे लगा कि मेरे पास जब जमीन है, अवेलेबल है, तो मैं सोचा कि 3 एकड़ में लगा के इस साल एक्सपीरियंस मतलब लेके देखते हैं। तो पपीते की खेती की शुरुआत आप किए हैं, तो बात आती है सबसे पहले खेती की, तो इसमें लागत बहुत आती है। हाँ। पपीते की खेती में तो लागत की जैसे हम बात लास्ट में करेंगे कितने लागत इस खेती में आती है, तो शुरुआत करते हैं कि पपीते की खेती की, तो सबसे पहले मादा जो आप तैयार करते हैं, बेड तैयार करते हैं, कैसे आप कितने बार आप जुताई करके इस मादे को तैयार किए हैं, ड्रिप बिछाए हैं या मल्च बिछाए हैं? इसमें भी सर हम लोग पहले प्रॉपर वे में जुताई कल्टीवेटर करना रहता है, रोटावेटर करना रहता है, उसके बाद कुछ दिनों तक उसको धूप दिखाना पड़ता है। अच्छा, धूप। जुताई के समय हमने सर एसएसपी डाला था, एसएसपी डाल के जुताई करके कुछ दिन रख दिया था। हाँ। उसके बाद मांदा खींचा, मांदा खींच के हम लोगों ने मल्च बिछवाया सर। फिर उसके बाद सर हम लोग ने क्या किया, नहीं सर पहले क्या किया था, हम लोग ने मादा बना के पूरा गोबर खाद बिछा, गोबर खाद पहले बिछा, उसके बाद बेसल डाले उसमें। जी सर। हाँ। बेसल डाल के मल्च बिछवा दिया, मल्च बिछा दिए। कम से कम हमने उसको 1 हफ्ता रखा है ऐसे ही ड्रिप में पानी देते रहा, 1 हफ्ता, 1 हफ्ते तक ड्रिप में पानी देते रहे। जी। उसके पहले हमने 3 दिन पहले पौधा बुलवा चुका था। फिर सर जब हमने देखा कि हमारा प्रॉपर वे में मादा पूरा सेट हो गया है, गीला हो गया है पानी, उसके बाद हमने पौधा रोपण किया। जैसे कौन से महीने में पौधे की रोपाई उत्तम मानी जाती है, इसके लिए क्लाइमेट भी बता दीजिए, कैसे क्लाइमेट में हम इसकी खेती, या मिट्टी, जैसे आपके यहाँ मिट्टी देख रहे हैं काली मिट्टी, कोई भी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं क्या? यहाँ तो सर मुरुम और काली मिट्टी हम दोनों में ही पपीते की खेती कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे क्लाइमेट बोल रहे हैं आप, तो ये 27 डिग्री से ऊपर और 45 डिग्री से नीचे कहीं पे भी हो सकता है। तो ऐसे क्लाइमेट में या ऐसे टेम्परेचर में इसकी खेती आसानी से हो सकती है। जी, जी, कौन सा मंथ है जो इसकी प्लांटेशन आप किए हैं, टीपी किए हैं, या पौधे आप वैरायटी की बात करते हैं, वैरायटी कहाँ से लाए हैं, इसकी कौन सी वैरायटी है? ये सर VNR की 6 रेड लेडी 786। अच्छा, रेड लेडी 786 ये वैरायटी है। तो जब एक पौधा आपको कितना आपको लगा होगा लागत इसमें? कॉस्ट सर 16 रुपये पर पौधा पड़ा है। एक पौधे की कीमत 16 रुपये है। अच्छा, एक पौधे की कीमत 16 रुपये है। 1 एकड़ में कितने प्लांट आपको लग गए होंगे? ये सर 936 प्लांट लगे हैं हमको 1 एकड़। 1000 के अंदर लगते हैं हमें, 936 लगे। अच्छा, 936 मतलब 1000 मान के चलिए 1 एकड़ में। टोटल अपन 3 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं, 3000 प्लांट्स आपको लगभग लग गए होंगे। अब बात आती है इसमें, जैसे आपने लगा दिए बरसात में या जैसे भी लगाए हैं, उसके बाद जैसे आप पानी का शेड्यूल है या कैसे इसके लिए पानी देते हैं, इसके लिए मेंटेन क्या कैसे करते हैं पानी को? ये सर जैसे अभी बरसात चल रहा है, तो बरसात में तो हम मेंटेलिटी मतलब कभी कभी पानी दे रहे हैं। जी, जैसे ही अक्टूबर ख़त्म होगा सर, हाँ हाँ, तो इसे पानी की उतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं रहती, कम भी ज़रूरत नहीं रहती, मीडियम लेवल पे जरूरत करता है। जैसे टीपी हो गया, उसके बाद ड्रेंचिंग में क्या करते हैं? जैसे पपीते में एक समस्या आती है डंपिंग ऑफ की, या जब पौधे जैसे लगाते हैं उसके बाद 4-5 दिन बाद ऐसे मर के गिरने लगती है, ऐसे समस्या पपीते में बहुत ज़्यादा देख मिलती है, उसके लिए क्या फंगीसाइड का शेड्यूल रखे थे आप? हाँ सर, फंगीसाइड हम लोग ने एटमोसफेयर के ऊपर जैसे बदली होती है, हाँ हाँ, फिर धूप होती है, तो उसमें हमने 9 दिन से 15 दिन के अंदर एक फंगीसाइड लेना आवश्यक। अच्छा, उस दौरान आपको लेना ही है कुछ भी फंगीसाइड, आप एक फंगीसाइड का शेड्यूल लिए थे। उसके बाद जैसे बात आई, जैसे पौधे जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट हुए, खाद भी इसमें आप दिए होंगे, खाद के बारे में थोड़ा आप बता दीजिए, कैसे कैसे खाद किसानों को देना है? सर जब हमने टीपी किया था इसे, तो उसके 3 दिन बाद हमने डीएपी का
घोल दिया, ड्रिंचिंग करवाया था। अच्छा, डीएपी का घोल ड्रिंचिंग कराए थे। ड्रिंचिंग कराया था। एक एकड़ में कितना डीएपी लग गया होगा? ये सर एक एक बोरी लगा था। एक एकड़ में एक एक बोरी, एक बोरी और ड्रिंचिंग करवा दिया था। ड्रिंचिंग में और कुछ मिलाए थे साथ में? सर 19-19 दिया था पहली उसके बार। अच्छा, उसके साथ ही मिलाया था, मिला दिया था 19-19 और डीएपी का। उसके बाद जैसे जैसे क्रॉप का स्टेज बढ़ते गया तो उसमें आप क्या खाद डालते गए? और सर इसमें बेसल डाला था उसके दो महीने डेढ़ महीने बाद। जस्ट इसमें दो बेसल हो गया है। दो बेसल हो गया है सर, तीन महीने में दो बेसल, तीन महीने में दो बेसल हो गया। उसके अलावा जैसे वाटर सोल्युबल खाद जैसे आप ड्रिप में दे रहे हैं, क्या क्या खाद दे रहे हैं? सर इसमें अभी मैग्नीशियम कैल्शियम चल रहा है। कितना कितना सल्फेट चल, कितना कितना केजी चल रहा है सर? जब ये 45 दिन के अंदर का था तो हमने 3 केजी 2.5 केजी 3 केजी पर एकड़ चलाया था कैल्शियम मैग्नीशियम और मैग्नीशियम। और जैसे अमोनियम सल्फेट को, अमोनियम सल्फेट सर सिर्फ 2 केजी चलाया था। वो प्रॉपर वे में क्या था सर, मेड हमारा गीला हो गया था तो उसके लिए अमोनियम सल्फेट चलाया। अमोनियम सल्फेट का अगर किसान चलाएंगे तो कितने कितने दिन के अंतराल में कितना केजी चला सकते हैं? ये सर कम से कम एक हफ्ते में आप डेढ़ से दो केजी चला सकते हैं। एक हफ्ते में इसका जी डेढ़ से दो केजी चलाना है। पपीते की खेती में और बात आती है, जैसे आप कर रहे इतने दिनों में आप देखे होंगे वायरस की समस्या आती है पपीते में। आप देखे होंगे वायरस, जैसे पौधे छोटे रहकर पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती है, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट का अटैक होता है, डिसीज का अटैक होता है, तो उसके लिए आप क्या अपना लगाए हैं एफर्ट इसमें? सर समय पे अगर खाद पानी फंगीसाइड सब चले तो वायरस मुक्त हो सकते हैं। वायरस मुक्त हो सकते जी हैं सर। प्रॉपर वे में है कि समय पे खाद पानी और फंगीसाइड सब चल जाए तो वायरस आने की चांस बहुत कम रहते कम हैं। इंसेक्ट के लिए क्या आप लिए हैं इसमें? ज़्यादातर इंसेक्ट जैसे इंसेक्टिसाइड कीटनाशक के रूप में क्या ज़्यादातर डाले हैं इसमें भी? सर हमने जैसे अपना होता है सर फंगीसाइड का, हाँ है ना, क्या नहीं इंसेक्ट कीटनाशक में, कीटनाशक कीटनाशक में सर वही एबीएम और प्रोफेनोफास इसमें भी चला है। एबीएम प्रोफेनोफास चला है, थ्रिप्स के लिए या माइट के लिए कुछ नहीं चला है इसमें? ये जैसे पत्तियाँ, ये पत्तियाँ पीली पड़ रही है, क्या वजह है? ये पुरानी पत्तियाँ हैं। हाँ सर पुरानी पत्तियाँ हैं वो, हाँ। पानी ज़्यादा लेने की वजह से वो ऑटोमेटिक नीचे से गिर जाएगी। अच्छा, ऑटोमेटिक नीचे से गिर जाएगी। तो ये जो प्लाट है आपका बहुत ही ज़ोरदार हमको लग रहा है अभी इस प्रकार। ये हार्वेस्टिंग के लिए कब रेडी हो जाती है? ये सर अप्रैल मई में रेडी हो जाएगा। अप्रैल मई में रेडी हो जाएगा। बात करते हैं हार्वेस्टिंग के बाद कॉस्ट की, तो हार्वेस्टिंग जैसे आप करेंगे मार्केटिंग इसकी क्या वैल्यू है? अभी मार्केट में इसको हम कैसे बेचेंगे या इसको प्रोसेसिंग यूनिट वाले लेके जाते हैं जैसे कतरी बनाने के लिए या अन्य पपिन बनाने के लिए, बहुत सारी इसके प्रोडक्ट जो है बनाते हैं, तो आप इसको कौन से पर्पज से बेचते हैं? सर ये हम लोग डायरेक्ट फ्रूट बेचते हैं, व्यापारी को सीधा फ्रूट बेच देते हैं। तो क्या रेट जाता होगा आप को, इसका कोई आइडिया है कि कितना रुपए में आपको? सर मार्केट वैल्यू बोले तो 14 से 16 रुपए के अंदर अभी मार्केट वैल्यू पर केजी, पर केजी। अब सीजन वाइज रहता है तो 16 रुपए मान लीजिए 15-16 रुपए तो जाना ही। एक प्लांट में जैसे ये पौधे देख रहे हैं इसमें कितने केजी हमको फ्रूटिंग मिल जाएगी? लगभग सर 50 से 60-70 केजी फ्रूटिंग मिल जाएगी। 50 एक एवरेज मान सकते हैं, अगर अगर पौधा अच्छा रहे तो 50 से 70 केजी के बीच में एवरेज मिल जाता है। तो इस प्रकार पपीते की खेती में हम बात कर लिए, प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं लास्ट में। पहले कॉस्ट पूछ लेते हैं, कितना कॉस्ट आ जाता होगा ये? सर पर पौधा हमें 15 रुपए मिला है। टोटल कॉस्ट अपने को कितना खर्चा आ गया होगा जैसे 3 एकड़ में एक एवरेज बताएंगे तो? ये लगभग सर 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार रुपये लग जाता है। हाँ, पौधे और लेबर खर्चे, लेबर खर्चा जी। ये मल्च का अलग है सर, मल्च का अलग है। मल्च कितने एमएम की लगी है इसमें? ये सर 25 माइक्रोन की, 25 माइक्रोन की मल्च लगी है। जैसे अब बात आती है जिसमें ये हर्बिसाइड के रूप में या जैसे ये खरपतवार के लिए आप क्या डालते हैं? पैराकॉट चलाते हैं। पैराकॉट इसमें चला देते हैं, पौधे कोई नुकसान नहीं, पौधे को कोई नुकसान नहीं सर, बचा के थोड़ा सा चलाना पड़ता है बस। टोटल 3 एकड़ में कितना खर्चा हो गया होगा पपीते में? ये लगभग सर हमें अभी 2,30,000 रुपए खर्चा आ चुके हैं इसमें 3 एकड़ में। ठीक है, अब जैसे अगर बात करेंगे वैल्यू अगर अच्छी रही तो प्रॉफिट भी हमको इसमें अच्छा देखने अच्छा मिलेगा सर। तो पपीते की खेती में और क्या समस्या या दिक्कतें आपको देखने मिली है? आपका तो पहला अनुभव है अभी इस बार ही कर रहे हैं लेकिन पौधे बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं, क्या लगता है आपको? और कुछ दिक्कतें आपको लगी है इसमें? सर हमारा फर्स्ट ईयर ही है। हाँ हाँ, 3 महीना हुआ है, आगे आगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तब पता चलेगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई हमें।
तो इस प्रकार पपीते की खेती की जानकारी आज भैया जो है हमको दिए हैं। आप भी ऐसे अगर पपीते की खेती करना चाहते हैं तो कोई भी प्रकार की समस्या या दिक्कतें हो तो आप भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, भैया का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो और भी किसानों को शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। और वीडियो में पहली बार आए हो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप आकर किसानों को जानकारी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।